अखिलेश यादव निकाय चुनाव में नहीं करेंगे प्रचार, सपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा। यूपी नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव के अभी तक प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हम लोग अखिलेश यादव के विचारों को लेकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के नेता अखिलेश यादव के विचारों और उनके सिद्धांतों को हर शहर, गाँव और गलियों में बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें सपा ही जीतेगी। बीजेपी के नेता इस बारे में झूठ बोल रहे हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यह बहुत बड़ा चुनाव है। सपा के पक्ष में जो उत्साह है उससे साबित होता है कि अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी का संकल्प पत्र जल्द ही जारी होने पर भी बयान दिया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब, नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि बीजेपी केंद्र और यूपी में घोषणा पत्र जारी करती रहती है लेकिन वे सारे झूठे रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कुटीर उद्योग समेत सभी मुद्दों पर किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है, गरीबी अमीरों के बीच बहुत बड़ी खाई है। बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है। अखिलेश यादव का संकल्प और अपील ही सपा का घोषणा पत्र है। बीजेपी जो कहती है वह कभी नहीं करती। बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। मायावती द्वारा मेयर के पद पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने पर नरेश उत्तम ने कहा कि सपा जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रचार करती है, हर धर्म हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया है। हम लोग बीजेपी की तरह से झूठ नहीं बोलते हैं। मुस्लिम वोटों का बंटवारा कतई नहीं होगा। गरीबी और अमीर की खाई के बीच का चुनाव होगा। नगर निकाय चुनाव 2024 के नतीजों का संकेत देंगे। पूरे देश में परिवर्तन होगा। बीजेपी पहले यहाँ हारेगी और उसके बाद केंद्र से भी हटेगी।